हेलो दोस्तों, हमारे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, इनकी पूरी कहानी। इस वीडियो में आपको पता चलेगी कि इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन में और किस तरह से मुगल भी इन्हें हरा नहीं पाए। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, इनकी शौर्य गाथा के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अंत तक देखिएगा हमारे इस वीडियो को, जिससे कि आप महाराणा प्रताप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जान पाए। और ये अपने आप में बहुत ही रोचक कहानी है, तो अंत तक देखिएगा हमारा वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और मेक श्योर हो जाइएगा कि ये सब्सक्राइब जिस तरह यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, उस तरह से आपको भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो। और ये बेल आइकन भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो समय समय पर मिलती रहे आपको। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को एक राजपूत फैमिली में। इनकी हाइट 7.5 फीट थी, 7.5 फीट थे। अब इनकी हाइट बहुत अच्छी थी और ये मेवाड़ के राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और वहीं के रहने वाले थे। इन्हें मेवाड़ी सरदार भी कहा जाता था। और ये जो ये आपको एरिया दिख रहा है, यही मेवाड़ था उस समय। और इनका इनको मेवाड़ी टाइटल भी मिला था, जिस तरह से इन्होंने मुगल्स को मुगल्स के जो जितने भी आक्रमण हुए थे उनको, मुगलों को हराया था। और जिस तरह से ये हल्दीघाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था उसको था उसके कारण इन्हें मेवाड़ी राणा का इसको एक महाराणा इनको कहा गया, मेवाड़ी राणा भी इनको कहा जाता था इनके रीजन में। और किस तरह से ये इन्होंने मुगल्स के मिलिट्री एलियंस जितने भी थे उनको इन्होंने विफल किया और किस तरह से मेवाड़ को ये एकदम मजबूत स्थिति में बना के रखे, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। देखिए, इनके पिता का नाम था उदय सिंह टू था। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई और इनके तीन भाई थे, एक थे शक्ति सिंह, एक थे विक्रम सिंह, एक है जगमल सिंह। अब इनकी टोटल 10 शादियां हुई थी, जिसमें इनके 17 बच्चे थे, क्योंकि ये लोग ये काफी मतलब एलियंस बिल्ड करते रहते थे। तो इनकी उस समय शादियां काफी होती थी राजपूतों में, तो इनकी टोटल 10 बीवियां थी और इनके 17 बच्चे थे। अब उदय सिंह की डेथ हो गई 1572 में, 1572 में उदय सिंह की डेथ हो गई। राणी धीर भाई उदय सिंह की एक वाइफ थी और उन्हें पता था, वो काफी एक षड्यंत्र रचने वाली महिला थी। उदय सिंह भी ये बात अच्छी तरीके से जानते थे और उन पर भरोसा कभी नहीं करते थे। वो चाहती थी कि उनका बेटा जगमल जो है वो राजा बने, लेकिन जितने भी कोर्टियर थे, जितने वहां के कोर्ट में रहने वाले थे, उनकी मौत के बाद जितने उनके मंत्री थे, वो चाहते थे कि प्रताप बने, क्योंकि प्रताप सबसे बड़े लड़के भी थे और सबसे काबिल भी थे। प्रताप जो है थ्रोन पे बैठे, महाराणा प्रताप थ्रोन पे बैठे, ये 54वें रूरल थे मेवाड़ के। और जो जगमल था, जो जगमल इनका जो भाई था जगमल सिंह ना, वो चाहता था गद्दी पर बैठना, वो मेवाड़ के गद्दी पर वो बैठना चाहता था। तो उसने बदला लेने की ठानी और वो अजमेर चला गया और वहां उसने अकबर की सेना को ज्वाइन कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, राजपूत कभी किसी से नहीं हारते। राजपूत जितने बहादुर होते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितने बहादुर होते हैं ये, और वो भी अगर महाराणा प्रताप की बात हो अगर राजपूतों में, तब तो बात ही अलग हो जाती है। लेकिन जैसे कहा गया है कि जब जब परिवार आपस में लड़ेगा, तब तक पड़ोसी आके परिवार को लूट लेगा, ये कहा गया है। अगर आप आपस में ही लड़ते हैं तो आपके पड़ोस, आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो यही इसका जीता जाता एग्जांपल आपको यहां दिख रहा होगा, जैसे इनके अपने भाई जगमल ने विरोधी से आगे हाथ मिला लिया और जिससे और बस इन्हें उसके एवज में, हाथ मिलाने के एवज में मुगलों से इन्हें एक जागीर मिली जहाजपुर की, और जिससे कि ये कॉन्स्पिरेसी कर सके। इसीलिए अक्सर मुगल यही काम किया करते थे, अकबर ने भी यही किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हल्दीघाटी का युद्ध, अब कैसे हल्दीघाटी का युद्ध कैसे शुरू हुआ, पहले हम इस बात को, इस चीज को समझते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ 1567 में, 1567 में चित्तौड़गढ़ जो है वो मुगल्स ने छीन लिया था मेवाड़ से। अब ये मेवाड़ के लिए चित्तौड़गढ़ बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ईस्टर्न बेल्ट था मेवाड़ का। आखिर और एक बात और है, आखिर क्यों अकबर जो है चाहते थे कि वो मेवाड़ पर कब्जा कर पाए, क्योंकि देखिए मेवाड़ की जो है सीधा गुजरात से लगता था इसके जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात से लगता था और ये गुजरात से जाने का एकदम सीधा रास्ता था। तो इसी वजह से ये चाहते थे, अकबर चाहता था कि वो इस एरिया पर कब्जा कर पाए। ये उनके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, तो इसलिए वो चाहता था ये। अब हालांकि जो चित्तौड़गढ़ तो इनके हाथ से निकल गया था 1567 में, लेकिन बाकी जो इनका जो हिली एरिया था, अरावली रेंज था, वो अभी भी प्रताप के कंट्रोल में था। अब क्या हुआ,
देखिए, अकबर चाहता था कि जिसमें मैंने आपको बताया कि अकबर गुजरात जाने के लिए, मेवाड़ से होकर गुजरात जाने के लिए स्टेबल रूट चाहता था, जो कि मेवाड़ एक्सप्रेस इसीलिए सबसे अच्छा था इसके लिए। उसने क्या किया था, कई बार अपने जो दूध भी भेजे थे, एनवाय भी भेजे थे अपने, जिससे कि जो राजपूत लीडर, बाकी जितने राजपूत लीडर्स को उसने अपने अपने कब्जे में लिया है, अपना गुलाम बनाया है, ठीक वैसे ही वो महाराणा प्रताप के साथ भी कर पाया। लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहा, महाराणा प्रताप ने उसे रिफ्यूज कर देते थे हर बार, और यही बात अकबर को सबसे नागवार लगती थी। अब क्या हुआ, देखिए 18 जून 1576 को बैटल स्टार्ट हो गया, और इसमें अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहे थे मान सिंह। ये मान सिंह है, ये फोटो में दिख रहा होगा आपको। तो अकबर मान सिंह फर्स्ट जो अमेर के थे, ये देखिए अकबर के, देखिए मुगलों की चालाकी देखिए, ये एक राजपूत राजा को एक दूसरे राजपूत से ही लड़वा रहे थे, ये खुद नहीं लड़ते थे, ये ऐसे ही लड़ते थे, राजपूतों को आपस में लड़वा देते थे और जीत जाते। इसलिए मैंने कहा कि जब जब आपके परिवार में झगड़े होंगे तब तक बाहर वाला आपको आके परेशान करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने फैमिली में भी अपनी मजबूती बना के रखिए, और ये चीजें हम लोगों को सीखनी चाहिए इस वीडियो से। इसमें देखिए, मुगल जीत तो गए लेकिन वो महाराणाओं को पकड़ नहीं पाए, जो बैठ हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, मुगल जीत गए। ये हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, जिसे हम लोग मुगल्स भी कह सकते हैं, महाराणा प्रताप और मुगल्स के बीच में हुआ था, और इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे, और वहां पे जंगलों में जाके छुप गए थे, क्योंकि अरावली रेंज में काफी इनकी पकड़ अच्छी मजबूत थी, ये वहां पे द्विकंटक नीति जिसे गोरिल्ला वारफेयर कहते हैं उसमें काफी मजबूत थे। तो ये जिसे कहा जाता है घास की रोटी भी ये खा लेते थे, ये एकदम आम इंसानों की तरह रहते थे, इनका लाइफ स्टाइल भी कोई बहुत ज्यादा ये लाइफ स्टाइल इनका राजा महाराजाओं की तरह नहीं था, तो ये बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ थे, इसी वजह से ये काफी मतलब मजबूत है, किसी के सामने झुकने के लिए रेडी नहीं थे, और फिर हमेशा सेना बना के अकबर के ऊपर आक्रमण ही करते रहते जब भी इन्हें मौका मिलता था। तो ये बच निकले वहां से। अब हल्दी घाटी की विक्ट्री मुगलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बस उनके एक ही माइनस पॉइंट रह गया यहाँ पे कि वो प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाए यहाँ पे, और उनके किसी भी फैमिली मेंबर को भी वो टच नहीं कर पाया अकबर। और अकबर हालांकि फिर भी इस लड़ाई के बाद भी अकबर लगातार कैंपेन करता रहा राणा प्रताप के खिलाफ। अब क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, अब एक बार ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही अकबर का साम्राज्य था, उसमें अकबर के महल में एक अफवाह फैल गई कि राणा प्रताप जो है सरेंडर करने वाले हैं, राणा प्रताप सरेंडर करना चाहते हैं, ये अफवाह फैल गई। अकबर सुन के बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि ये न्यूज सही है, वो बहुत खुश होकर बीकानेर के जो राजा थे पृथ्वी सिंह राठौड़ उनके पास गया, और उनसे उनसे कहा कि उनसे उन्होंने अकबर ने ये बात पृथ्वी सिंह राठौड़ को बताई ये बात कि अब महाराणा प्रताप भी सरेंडर करने वाले हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पृथ्वी सिंह राठौड़ को ये बात मंजूर नहीं होती, जितना वो जानते थे वो इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे, और उन्होंने क्या किया कि राणा प्रताप को एक चुपके से उन्होंने एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने क्या कहा, क्या जंगल का सिर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य बादलों के बीच पीछे छिप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्तों के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएंगी, क्या राजपूतानी अब विधवा हो जाएंगी, आपकी कसम ये बात सुनकर मेरा दिल अब कांप उठा है, मेरी टांग तनी हुई मूछें नीचे झुक गई हैं, अब आप ही बताएं कि ये बात कहां तक सच है। अब ये बात सुन के महाराणा प्रताप को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने उन्होंने जिसका जवाब में खत लिखा, बादलों में वो क्षमता कहां कि सूरज को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया, धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोच बनी नहीं है, और कुत्ते की तरह जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी नहीं है। तो क्या इन्होंने पावरफुल जवाब दिया, काफी मोटिवेशनल है। अब क्या हुआ आगे, अब मुगल जो थे वो प्रेशर धीरे धीरे मुगल मेवाड़ पे जो उनका प्रेशर था, क्योंकि वो बार बार अकबर आक्रमण करता था और बार बार ये बच के निकल जाते थे, तो इसीलिए अकबर परेशान होकर खुद ही इनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया। और उस समय 1579 में यानी कि हल्दीघाटी के 3 साल बाद बंगाल बिहार और पंजाब में काफी गुट पैदा हो गए थे, जो विद्रोही गुट पैदा हो गए थे, तो अकबर का ध्यान उधर चला गया। 1582 में क्या हुआ, प्रताप ने अटैक किया मुगल के एक पोस्ट पे, जो कि मुगल का जिसे बैटल ऑफ देवार कहते हैं, उसमें उसने प्रताप महाराणा प्रताप ने जो है अटैक किया और उसे जीत भी लिया, और वहां से उन्होंने 36 मुगलों के 36 जो सेना टुकड़ी थी उसको उन्होंने हरा के जीत लिया। और इस जीत के बाद अकबर ने कैंपेन जो भी अकबर करता रहता था इनके खिलाफ वो पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि इन्हें हराना आसान नहीं। 1585 में क्या हुआ कि अकबर जो है वो लाहौर की तरफ मूव कर रहा और वहां पे करीब 12 साल तक वो रहा, हालांकि वो नॉर्थ वेस्ट की सिचुएशन में अपनी नजर बनाया हुआ था, लेकिन उसको पता था कि जब तक महाराणा प्रताप है तब तक तो पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे कब्जा कर पाए।
अब इस सिचुएशन, क्योंकि ये 12 साल तक इसका ध्यान लाहौर की तरफ ही रहा, इसीलिए इस सिचुएशन का एडवांटेज लेके प्रताप ने क्या किया, जो वेस्टर्न मेवाड़ था, जो कि कुंभलगढ़ जो अकबर ने ले लिया था, वो कुंभलगढ़ उदयपुर और गोगुंडा को उसने वापस ले लिया और एक उसने वहां पे कैपिटल बिल्ड किया मॉडर्न दुंगारपुर के पास, छवन जो छवन एरिया था वहां पे उसने कैपिटल बिल्ड किया। देखिए अकस्मात जो है 19 जनवरी 1597 को अचानक जो है मौत हो गई प्रताप की, महाराणा प्रताप की मौत हो गई और इनकी मौत हुई थी शिकार पे गए हुए थे, वहां पे एक शिकार करते समय एक शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया, उस समय इनकी मौत हो गई, उस समय ये घायल हो गए थे, उसके बाद कुछ समय के बाद इनकी मौत हो गई। और उसके बाद ये जो ये अपने जो इनका सबसे बड़ा बेटा था अमर सिंह, यही अमर सिंह था उस समय, और ये इनका इनके बाद इनका अगला जो है सक्सेसर था इनका जो। और जब लेकिन देखिए इनका डेडिकेशन देखिए, जब ये डेथ पर थे, जब ये मर रहे थे उस समय प्रताप ने अपने संघ को अपने पास बुलाया, अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बुला के इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मुगलों के सामने कभी मत झुकना और उन्हें कभी भी चित्तौड़ को जीतने मत देना, ये उन्होंने कहा। तो ये मरते समय भी ये लेसन देखे गए। तो फ्रेंड्स ये सारा था महाराणा प्रताप के बारे में, कैसे लगा ये वीडियो आप हमें बताइएगा सेक्शन में। ऐसे और वीडियो चाहते हैं और किस राजा की आप वीडियो चाहते हैं या किसी और बिजनेस टाइकून की आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसकी भी आप वीडियो चाहते हैं कि हम उनके डिटेल आपको बताएं। और ये हमारा नंबर है, इस पर जाके आप जिसके भी वीडियो चाहते हैं वहां पे हमको बता सकते हैं, इस वीडियो में नाम दे सकते हैं हमको, इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और सर से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो भी आप इस नंबर पे हमें बता सकते हैं। और यहाँ पे रिच गाय पे जाके फेसबुक हैंडल पे हमारा जाके देख सकते हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, हमें फॉलो भी कर सकते हैं आप वहाँ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और मिलेंगे हम सब फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।